क्या ध्यान रखना है? मर्यादा का ध्यान रखते हुए। क्या रखना है ध्यान? मर्यादा का। क्या ध्यान रखना है? मर्यादा का। मर्यादा का ध्यान रखना है, और मर्यादा आप भूले, मर्यादा आप भूले डिबेट के बाहर, कोई हो डिबेट के बाहर फट से। बस बिल्कुल मैं आ रहा हूं वन बाई वन। आप अभी डिबेट का हिस्सा नहीं है, अभी आप वहीं खड़े रहिए। जी ऑफकोर्स वन बाई वन। जी राहुल आपका है। देखिए मैंने राहुल मैं चाहूंगा कि बात दरअसल ये हुई थी, राजीव आ गए ना, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। मैंने कहा कि बात आर्थिक मुद्दों से शुरू हो या धार्मिक वाले मसले जो हैं वहां से। मैंने एक बात रखी, क्योंकि कल जो यहां पे भीड़ पे मौजूद थे, जनता में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए, रोटी रोजगार इस पर बात होनी चाहिए। मैंने वहां से बात शुरू करी कि वहां से कल मैंने बात करी थी। अनवर आ रहा हूं। जी देखिए बात तो यह है कि इतिहास की भूल सुधार कब से करेंगे? 500 साल पहले जाएं कि 1000 साल पहले जाएं कि 1500 साल पहले जाएं, वो देखिए एक अनंत खुदाई का एक अनंत मामला हो जाएगा जिसमें हमारा वर्तमान खो जाएगा। अभी इस समय देखिए एक अभी मामला जो उठाया गया, इस समय सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अभी इस समय देश में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैं एकदम बिल्कुल मर्यादा के साथ कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता इस समय राशन पे जीवित है, इस समय जिनको कि राशन दिया देना पड़ रहा है पूरे देश को। और वैसे स्थिति में अगर महंगाई अपने चरम पे होगी, अगर थोक महंगाई दर 15% पार कर रहा है, खुदरा महंगाई दर 8% को क्रॉस कर रहा है, वो जनता कैसे जिएगी? उनके जीने के लिए क्या इंतजाम होगा? बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे होगा, इन समस्याओं का क्या समाधान होगा? तो ये मामले हैं। और इसको अगर कोई ये चीज कह दे कि नहीं भूख तो कोई भी मिटा लेता है, आखिर एक एक व्यक्ति के आर्थिक विकास से ही देश का आर्थिक विकास होगा। हम चीन जैसे शक्ति को अगर चुनौती देना चाहते हैं तो हमें आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतिहास से खुदाई से कुछ भी नहीं मिलने वाला। राहुल की बात देखिए, बहस है ये, और सबको मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। और सबको बोलने का हक है, ईमानदारी के साथ बात रखने का हक है, मर्यादा के साथ। और राहुल ने कोई बात नहीं गलत कही, राहुल ने कहा कि इतनी महंगाई खुदरा और थोक उसके आंकड़े, सवाल ये है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए, और कहीं हम बच तो नहीं रहे हैं। हम सवाल ये भी रख लेते हैं ना, आ रहा हूं ऑफकोर्स मेरे लिए क्वेश्चन है, उनसे नहीं पूछोगे जिनको 5 साल पे वोट दे आते हो जाके, उनसे नहीं कोई सवाल पूछेंगे, हम ही से पूछना सवाल। तुम खड़े रहो, सवाल ये है कि कहीं हम उन सवालों से बच तो नहीं रहे हैं जो सवाल सामने खड़े हैं, और कहीं वो दूसरे मुद्दे हम उठा लेते हैं। बहस को आज मैं इसी के आसपास रखना चाहता हूं। राजीव नाउ यू हैव टू आंसर दिस, जो राहुल ने सवाल रखा। जी बताइए सवाल क्या है? आर्थिक पत्रकारिता को समझते हैं, इन्होंने कहा कि हम खुदाई में आप दबा रहे हैं मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं, आस्था की बात बार बार करते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि आपको छुपाना है। जी ठीक है, अभी ये आस्था के पर सवाल उठा रहे हैं, अभी इनका वन बाई वन मैं कह रहा हूँ वन बाई वन। जी अभी कोई इनके घर पे कब्जा कर लेना तो ये 50 साल मुकदमा लड़ेंगे इनके घर पे। अभी आपके घर पे कोई कब्जा करे ना तो आप 50 साल क्या 100 साल क्या 500 साल आप हम लड़ेंगे ना, करेंगे हम लड़ेंगे। मेरे घर पे कब्जा हुआ, मेरे घर पे कब्जा हुआ, और यहाँ जितने हिंदू हैं सबके घर पे कब्जा हुआ है। बन भाई बन, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। बात बेरोजगारी पर भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाप का और परदादा का नाम बोल बन भाई बन। विवेक, देश आजाद सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, मेरे लिए भी हुआ है। अगर मेरी भावनाएं कहीं पर है तो मुझे उन्हें विवेक दिस इज नॉट लेट हिम स्पीक। जी और यही वो लोग हैं जो असहिष्णुता के नारे लगाते हैं, बोलते हैं कि दूसरों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अभी ये मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। इस तरह के लोग जो अपनी आवाज ऊंची करके हल्ला शोर मचा करके दूसरों की आवाज दबाते हैं, वही देश में असहिष्णुता का सबसे ज्यादा झंडा उठाते हैं। संदीप, मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा। शरद, देखिए भूखे पेट ना भजन गोपाला, ये तो सब जानते हैं। और अगर आप आस्था को भूल भी जाएंगे या आस्था को याद भी रखेंगे तो जब राशन की दुकान पे या ग्रोसरी की दुकान पे जब आप सामान लेने जाएंगे तो आपको आपकी जेब याद दिला देगी कि महंगाई कितनी है। महंगाई के मुद्दे को भूला नहीं जा सकता, और पूरी दुनिया इस महंगाई के संकट से जूझ रही है। भारत नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में बुरी हालत है जहां तक बात है बेरोजगारी की, क्योंकि सीधा जुड़ा हुआ है उससे। और कल एक आंकड़ा निकल के आया प्रतीक कि शहर में जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी और ज्यादा है। ये क्या बताता है कि जब आपकी पढ़ाई लिखाई कम है तो रोजगार मिल जाता है, मिलता छोटा मोटा है, पर जब आप पढ़ लिख के निकलते हैं
तो आपको बेरोजगारी की ज्यादा समस्या है। ये क्या बात बताती है? ये बताती है कि हमारा जो एजुकेशन, मैं बताऊं ना, मैं बताऊं ना, बहस अगर अभी हम हिंदू मुसलमान कराने लगे तो सारे लोग अभी इधर सुन रहे होंगे, लेकिन अगर मैं रोजगार पे बात कर रहा हूं ना तो किसी को मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें क्योंकि जनता इसमें सबसे ज्यादा दोषी है, सबसे ज्यादा दोषी। मजा ही नहीं आता, वो मजा ढूंढती है कि मजा दिलाओ मुझे। अरे आपके लिए बात कर रहा हूं, आप ढूंढने को तैयार नहीं है, अजब आदमी है जी। तो ये क्या बताता है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई हम स्कूल कॉलेज में करके आते हैं, तुम्हें अगर यहां पे खड़े होना तो खड़े हो, इधर दया, तुम्हें इस डिबेट के नियम मालूम है? इस डिबेट के नियम मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो जाने का कष्ट करे, चुप रहना एकदम। जी जी, वो पढ़ाई लिखाई हमें नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, और 70-75 साल में प्रतीक 1% लोग आज इस देश की 10% वेल्थ ओन करते हैं, 10% लोग इस देश की 65% वेल्थ ओन करते हैं। तो ये 70-75 साल में कैसा विकास हुआ है कि 10% लोग 65% जमींदारी ओन करते हैं? मुझे लगता है सारी सरकार को चिंतन करने की इसमें जरूरत है। इसमें पिछली सरकारें भी आती हैं, इसमें यह सरकार भी आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं याद आ गया, बात में शेर याद आ गया, मेरा शेर है अजी। इस दौर में भी सुनिएगा गौर से, जो हालात है अभी आपने कहा था, जो लोग भी जिम्मेदार है अजी। इस दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं अजी, इस दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम देखते हैं। क्या जमूरों को? नो नो नो, एवरीबॉडी हैज रिस्पेक्ट जी। नो 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 नो, एवरीबॉडी हैज रिस्पेक्ट राइट। सर मेरे भाई अभी बोल रहे थे और यहाँ पर सारे खड़े हैं, शायद मेरे भाइयों को याद होगा कि यहाँ पर 8 दिन तक बीजेपी वाले बड़ा शोर मचा रहे थे कश्मीर के लिए। आज कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे, तो कहाँ पर हो भाई? देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं? देश के गृह मंत्री जी कहाँ पर हैं? हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो नहीं बोल रहे? मंदिर की चिंता हो रही है, अरे मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, कोर्ट बनाएगा, आप कौन होते हैं सर? मंदिर न बने, मस्जिद बने, कोर्ट देगा फैसला, क्या चुप होके बैठते हो? यहाँ पर हिंदू मुसलमान मत करो, यहाँ पर महंगाई की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो, बढ़ती हालात सब की बात करो। प्रतीक जी, किस किस मुद्दे पर कौन अपना एजेंडा चलाना चाहता है ये दर्शक भी बखूबी जानता है, वो सुन रहा होगा। वन बाय वन, प्लीज 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 कॉपरेट विद मी जी। अभी जो इन्होंने कश्मीर हिंदुओं की इतनी चिंता जताई, तो इनको मैं बता दूं, एक के बदले 3 हमारी सेना ने मारा, बदला लिया और आगे भी लेंगे। सरकार को जो करना है वो हम करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको सजा मिलेगी। ये मोदी जी की सरकार है, इन्हीं के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान।